हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जरा इसे देखते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले एक हम न्यूज को डिस्कस करेंगे और उसके बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम क्या है उसे जानेंगे, और साथ ही साथ जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट NCPCR क्या है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे जुड़े हुए हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं न्यूज को। देखिए, पिछले दिनों PIB में खबर आई जिसका हेडिंग था चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम, इसलिए हम डिस्कस करते हैं इसे। और साथ ही साथ जो हमारे ये न्यूज है हमारे लिए कहाँ इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स लेवल पे, इससे कुछ रिलेटेड कुछ फैक्ट या कुछ कॉन्सेप्ट होंगे जो मे बी प्री में आ सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा मेंस का GS पेपर 2 है उसके कुछ पार्ट को ये कवर करता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं जरा। तो देखिए, न्यूज में कहा गया है कि जो सेंसस 2011 है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे देश की जितनी भी जनसंख्या है उसमें 472 मिलियन 18 ईयर से कम उम्र के बच्चे हैं। तो ऐसे में जो हमारी पूरी जनसंख्या है उसका लगभग ये 39% पार्ट कवर करते हैं। तो समझिए जो हमारा चाइल्ड है उन लोगों के प्रोटेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो पूरे के पूरे पॉपुलेशन का 39% कवर करता हो, और जो हमारे आगे आने वाले नेशंस के डेवलपमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता हो, उसके प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है, वही इस न्यूज़ में डिस्कस भी किया गया है। ऐसे में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है इनके तहत एक चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस CPS चलाई जा रही है। इसका मेन एम ही यही है कि जितने भी स्टेट हों या UTs हों वहाँ पर जितने भी बच्चे जो भी गलत कार्यों में लगे हैं या जिनके साथ शोषण हो रहा है उनकी सुरक्षा करना, उन्हें रक्षा प्रोवाइड करना। तो आगे देखते हैं जरा इस न्यूज़ में क्या बताया गया। और देखिए, जो हमारी ये स्कीम है चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम, इसका मेन एम ही है कि जितने भी चिल्ड्रेन जो भी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेज में अवेलेबल हैं, चाहे राज्य में हो UTs में हो, देखते होंगे अक्सर आपने सुना होगा कि बच्चों के साथ शोषण होता है, उन्हें बेगारी कार्यों में लगा दिया जाता है, माता पिता के अलग हो जाने से भी बच्चों का फिर क्या होता है, भविष्य पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है। तो ऐसी जो भी सिचुएशंस हैं उन्हें दूर करने के लिए ये हमारी स्कीम काम करती है, और साथ ही साथ जो बच्चों के जो डेवलपमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड ये सारे के सारे ये काम किए जा रहे हैं इस प्रोग्राम के तहत। तो कैसे कैसे काम हो रहे हैं जरा देखिए। देखिए, जो इसके तहत एक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन की स्थापना की जाती है CCIS, जो हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम है उसी के तहत ये काम कर रहा है, और राज्य स्तर पे जितने भी बच्चे हैं वगैरह हैं उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, रिक्रिएशन हेल्थ केयर सिस्टम वगैरह हो, उन सारी चीज़ों का आयोजन किया जाता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ रूरल एरिया में हो या अर्बन एरिया में हो, ये रूरल एरिया के साथ साथ अर्बन एरिया में भी पूरे पार्ट्स को ये कवर किया जाता है इस प्रोग्राम के तहत। तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे। आगे जरा देखते हैं हम। देखिए, अब जरा हम NCPCR के विषय में जान लेते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट क्या है। ये देखिए एक ऑटोनोमस बॉडी है जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट है उसके अंडर में काम करती है। ऑटोनोमस बॉडी है, कभी कभी देखते होंगे आप UPSC प्री में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह की बॉडी से रिलेटेड, ऑटोनोमस है या ऑटोनोमस नहीं है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा NCPCR। इसका भी मेन एम क्या है, यही है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने बच्चे हैं, चाहे स्टेट में हो UTs में हो, उनकी जो भी कंडीशंस हैं, जो डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेज में काम कर रहे हैं या रह रहे हैं या घर से अलग कर दिए गए हैं या माता पिता के बिखराव के कारण उनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, उन सारे लोगों को हेल्प करना भी इस पूरा का पूरा जो हमारा NCPCR है उसका काम है। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by ForumIAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our Current Affairs classes.